सब्सक्राइब करें उर्दू टॉक शो चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक शो और मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अब्दुल्ला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया, मलेशिया लफ्ज मलाया से अखज किया गया है जिसका मतलब है नदी। मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क कुल 13 रियासतों पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 330,803 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 66 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात करें तो 2017 में किए गए सर्वे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 3,16,82,000 अफराद से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से यह मुल्क दुनिया के 44वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क का 2017 में पेश करदा जीडीपी बजट 913.5 बिलियन डॉलर था। मलेशिया के अतराफ की कंट्री की बात की जाए तो इसकी एक जानी ब्रुनाई और इंडोनेशिया मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि बाकी तीनों तरफ में ये पानी से घिरा हुआ है। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआला लामपुर है। ये मलेशिया का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का कुल रकबा 243 किलोमीटर स्क्वायर है और आबादी 17,68,000 से ज्यादा है। अगर इस मुल्क में मजहब की बात की जाए तो इस मुल्क में 63% अफराद मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, 19% बुद्धिस्ट, 9.2% ईसाई, 3.4% दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। मलेशिया का 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। इस मुल्क की आमदनी का 29% हिस्सा ज़राअत से हासिल होता है, यानी इमारती लकड़ी, चावल, गंदम, नारियल का तेल, फल और चाय वगैरह से हासिल होता है। और इसके अलावा मुल्क का 11% आमदनी संतों से हासिल की जाती है, जिनमें मशहूर संतें चीनी, खाद और खाम तेल साफ करने वाले कारखाने हैं, जबकि 7% मादनियात से हासिल होती है। मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस नामी टावर मौजूद हैं, जो कि प्रिंस टावर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दुनिया के 12वें बुलंद तरीन टावर हैं। 1998 से लेकर 2004 तक इन टावरों को दुनिया के पहले नंबर पर आने वाले बुलंद तरीन टावर्स होने का एजाज भी हासिल रहा है। इन दोनों टावरों को 530 मीटर की बुलंदी पर आपस में एक ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है, जो कि आर्किटेक्चर का एक इंतहाई खूबसूरत नमूना है और देखने से ताल्लुक रखता है। टूरिज्म के लिहाज से मलेशिया दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। यहाँ हर साल तकरीबन 25 लाख लोग सैरो तफरी के लिए आते हैं। मलेशिया में रफलीजिया नामी एक फूल पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ये लंबाई के लिहाज से 3 फीट तक चौड़ा और 7 केजी तक वजनी हो सकता है। इस फूल से इंतहाई गंदी बदबू आती है कि इसे सूंघना इंतहाई मुश्किल काम है। रबड़ की पैदावार के लिहाज से मलेशिया दुनिया के 3रे नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। ये मुल्क हर साल तकरीबन 10 लाख मैट्रिक टन रबड़ प्रोड्यूस करता है, जबकि ये मुल्क रबड़ ग्लव्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ के ग्लव्स फरोख्त करता है। मलेशिया का कौमी जानवर मलाइन टाइगर है। कौमी खेल बैडमिंटन है, जबकि कौमी फल पपाया यानी पपीता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.